सो हे गाइस, कैसे हो भाई? हो बाप, बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, घर के अंदर ठीक ठाक हो गए। मेरे शोल्डर भी देख लो भाई साहब, शोल्डर मारते कल नहीं, शोल्डर हाल के मारते। तो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी धुलंडी। आज जो है धुलंडी है खेलने वाली। हाँ जी, इधर आओ। लिपस्टिक लगानी जरूर थोड़ी होती हर चीज के अंदर ही। लिपस्टिक लगा रही हूँ। हाँ जी, बोल दो। हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली भाई। अब पूरा रंगीन बन रखा है, पूरा का पूरा शहर, पूरा देश, सब कुछ यहाँ पे सब खेल रहे हैं मस्त मजे में, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंक रहे हैं। अभी तो मैं बालकनी पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि छत से उड़ता हुआ मुंह पे गुब्बारा फट देने से। अभी आज का दिन शुरुआत करते हैं, आज खेलेंगे होली दबा के। सेट है मामला सारा। ये ऊपर से बच्चे अब रंगीन होगा। हाँ पता है, ये तो बच्चे है। वार तो हो गया, ये पन्नी साथ साथ लेके घूमोगे आप? वो देखो पापा, एक बार देख लो क्या कर दिया इन्होंने। मंजीत भैया ने छत पे जाओ। बराबरी और हमारी ना हो प्रधान। बहुत बढ़िया अपने फोन पे मार रहे हो। बहुत बढ़िया मनिया, बहुत बढ़िया। कवर से बचा हुआ है वो भैया। मेरे को भैया बताओ अपने पति में रंगो, मेरे पति को आज। तो भाई थोड़ी सी होली मैं खेल लेते हैं, हमारा थोड़ा सा सामान लेके आ रखा हूँ मैं, ये देखो। और भाई यहाँ पे फुल छतों पे है ये। कल प्लानी की शक्ल देखो भाई, मेरे हाथ में फोन है। जगह जगह से गुब्बारे पड़ रहे हैं, वहां से भी गुब्बारे देखो पानी आया। और ये क्या घोल बनाया है पता नहीं, मुझे पानी वाली खेल ली नहीं थी। हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं और फिर आते हैं। वाओ, क्या रील बन रही है। ऊपर करो, ऊपर 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 निकलेगा। हैप्पी होली अंकित। अरे भाई यहाँ मत मारो, कल जी ना आपकी बांग भर देते। हल्का क्यों भैया, कल तो आप बहाना मार रहे थे। आपकी मांग भरनी पड़ेगी, मांग भर देनी। सारा पानी वेस्ट। चलो इतना जड़ी तो खुद भी लाइटर ले आते। अबे डर के ना फटेगा थोड़ी, कमरा फटेगी थोड़ी के बेरो। ओ तेरी हटाइए। पापा भागने की कोशिश नहीं कर सकते। नीचे भैया अपने सर पे रख लो, भैया उसको सर पे रख लो अपने, आपके में आगे भैया के काम देखो। अंकित सूखे सूखे हो रखे थे तुम, अब भीगे हो। कल जल्दी जल्दी जाओ चार। ओ तेरी भैया, नहीं भैया मैं आपके साथ हूँ, मेरे फोन है फोन। नहीं आने का बेटा, इधर नहीं आने का, व्लॉग तो होगा। क्या खुद भीगने कौन आता है, मारे है तुम। ओए रुक जा, कमरे में पानी जा रहा है, मुझे बाहर जाने दे। ओके, दो मिनट मेरा फोन पे ध्यान गया, ये देखो बदतमीज कमलेश। मैं भाग रही हूँ। गाइस यहाँ की होली जो की है हमने खेल ली और रंग मेरा उतरा नहीं है अभी तक,
बहुत हो गया, पता नहीं कौन सा पक्का वक्का रंग इनने लगा दिया इस वजह से उतर। इसका देखो ये तो ऐसा लग रहा है इसने होली खेली ही नहीं, पूरी वाइट वाइट बन के बैठ गई है तो पूरी सी। मैंने अपना उतार लिया था। दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे इसके ऊपर, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अभी हम जा रहे हैं पीरागढ़ी, वहाँ पे लड्डू गोपाल के साथ होली खेलने का, वहाँ पे लोगों को पता नहीं, सिर्फ मिशेल को पता होता है कि हाँ सरप्राइज दे रहे हैं हम उनको, है ना। मैंने चाहती कि वो घर भी मेरे बिना खाली रहे, मुझे लेके जा रहे वहाँ पे। चलो फिर मैंने सोचा चल ले, अरे मैंने भी व्हाइट पहन ली और व्हाइट शूज पहन ली, जाऊंगा जब पूरा का पूरा गंदा हो जाऊंगा। और मैंने बैग बैग में अपने कपड़े वगैरह डाल लिए जो कि वापस पहन के आऊंगा। और गुलाल वगैरह भी लेने भाई, यहाँ पे आ गए हैं और आते हुए इसने ढंग रखा है बैग, और यहाँ पे लेनी है मिठाई घर के लिए। देखो क्या पसंद करते हैं और क्या लेते हैं भाई। रोड आज पूरा का पूरा रोड खाली मिल गया है, पूरा रोड खाली मिल गया आज। नहीं तो भाई यहाँ तक पहुँचने में कम से कम इतना जाम होता है कि 40 मिनट लगते हैं, पर आज हम जल्दी पहुँच गए। चलो फटाफट से ले लेते हैं मिठाई या फिर चलते हैं भाई। तो भाई जब स्कूटी हम पे एक थी, सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, आधा इसने पकड़ लिया, बैग भी टांग रखा है, और ये देखो कितना सारा सामान है। घर आते ही ऐसे एटीट्यूड सा आ जाता है चेहरे पे, गुस्सा क्यों आ रहा है? आगे दे दिया सर, सबको सरप्राइज। यहाँ किस किस को पता था? पापा को पता था बस, है ना। मम्मी कैसा लगा सरप्राइज हमारा? अच्छा अच्छा, ये कह रही किसी को नहीं बता रखा, मैंने पापा को निश्चल को बता रखा बस। मुझे कभी तक नहीं पता था। स्पेशली स्पॉन्ज के रसगुल्ले लेके आए पापा के लिए, सब कुछ लेके आया, पापा रसगुल्ले खाते हैं स्पॉन्ज के, स्पेशली पापा ने लेके आए। हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक घंटे तो कुछ बोला था आने के लिए, हैप्पी होली दीदी, हैप्पी होली। अमीरों की तरह होली खेल रहे हो, वाइट कपड़े पहन। रास्ते में लोग हमें देख रहे हैं कि साहब कैसे है, कहीं गुब्बारे मार रहे हैं बच्चे के बारे में। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, ले तो आए थे। मौसी को बुलाओ, चार पे चलता है। मौसी को बुलाओ, मौसी को। मौसी नमस्ते, हैप्पी होली। ये लो आपके लिए चॉकलेट, सबके लिए कुछ कुछ लगा लिया। फाइनली तुमने ये आंख वाला, इसके अंदर होता क्या है? हाँ अरे बस वो देख कैमरे को ऊपर मारेगी। जवानी छूटने का बदलते ही सीना देखे। तुम्हारे नाम होंगे ना? बड़े वाला स्प्रे ले ले भाई। भर दिए तो पूरी। मम्मी नहीं बात पीछे बना दिया पूरा, तो ऐसा बना दिया पीछे। मूवी नहीं दिखा रहा। अब तेरा हिसाब होगा पूरा। उधर रखी स्प्रे रखी उधर, और अंदर रखी अंदर। लग तो गया मेरे तो। मिलने बता रहे हो उधर? उस जा रहा हूँ लाइन में, उसको कॉल लगी बात करने जा रहे हो। ओए ये मत कर यार, लगा देना। ओए ये मत कर, अभी रुक जा, खुद अगर मैं खाना खाऊंगी भी अपनी अपनी बारी में। किसके बात ने बुक है? आराम से आराम से मैं सब गिर दूंगा। पनीर के पकौड़ा और आलू के पकौड़ा, आलू के पकौड़े ये खा के फिर हम विद कॉफी, ठीक है ये खाएंगे और फिर इसके बाद हम खेलेंगे भाई। फिर हमने टब भर रखा, लास्ट वाली दिखाई तुमने व्लॉग जो पिछली होली में बनाया था हमारी, दिखा था ना। इस बार भी मस्त तरीके से खेलेंगे भाई, बड़े तरीके से। चलो पहले भूख लगे, थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं ना। तो यार खेलने के लगते पर भूख लग गई देख के। पर से मम्मी आ रही है, देखो इसका मुंह कैसा कर दिया, स्माइल करो दांत के साथ। ओ दिखा दिखा दांत दिखाड़ा। एक मछली पानी में गई छपैक, दो मछली पानी में गई छपैक, 10 मछली पानी में गई छपैक, 20 गई छपैक। करंट आ सकता है इसमें, उंगली दो चलो इसके अंदर फिर। नहीं हो मेरी बहू है की अरे।
तो भाई यहाँ पे टब भरा पड़ा है, यहाँ पे स्टार्ट हो गई अब हमारी यहाँ की होली स्टार्ट हुई है भाई। यहाँ पे पूरा इसको रंग बिरंगा किया जा रहा है इसको, और फिर गुलाल मिला रहे। अब यहाँ खेलेंगे भाई मस्त मजे से। ओ लुडू जा, तू जा भाई नीचे, तू जा। और मेरे हाथ में भाई दो दो फोन है, अभी रुक जाओ एक मिनट, तो रुक जाओ ना, अभी व्लॉग ना बनाऊं, मम्मी भी गीली होंगी। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ शिवानी, रुक जाओ। गाइस इनकी होली देखो पट्टाई पट कैसे चल रही है। ओ तेरी नितिन अकेले, नितिन वन वर्सेस टू हो रहा है, ये दो पे एक भारी। जीजा सालों की होली, साली वो सुनी थी, साले भी खेलते हैं। मेरे को भी आना पड़ेगा। हैप्पी होली। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये चाहिए था वीडियो बनाने के लिए, मुझे ये वाला चाहिए था। तो गाइस अभी मैं तो सो गया था भाई, अभी जस्ट उठा हूं, 8 बज रहे रात के। और यहाँ पर रात का खाना आ गया भाई, जिसके अंदर गोभी है, पनीर है और रोटी है, शायद पनीर है, पता नहीं क्या पनीर ही है, और सलाद वलाद है। शिवानी उधर खाना ला रही है और मैं खा रहा हूँ, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं सीधा अपने घर। कहाँ से कर रहा है, ऊपर गया छत पे। शिट पापा, कैसा डॉगी पाल रखा है यार आपने। तूने हमारे सर पे है ना बहुत बड़ा बोझ कर रखा है। पापा ऐसे मत बोलो, मेरी ऑडियंस इतना प्यार करती है डुड्डू को, मुझे बोलती है टुड्डू को ले आओ वापस, है ना, बोलती है ना लाइव में आती तो बोलते हैं टुड्डू को वापस ले आओ। मम्मी कहती है ले ही जाना इसको। मम्मी टुड्डू को कबूतर दिखा दो, चलेगा चलेगा भाई। सो गाइस अब आगे वापस हम अपने घर पे। अच्छा अच्छा ये मेरे लिए आई है, अच्छा लग रहा है सूट तो बहुत ही वाला। ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे, ये वाला बहुत अच्छा लगा। मम्मी का देख किसो लगे, अच्छे है, प्यारो है, सुंदर लग रहा, प्यारा लग रहा बहुत। ग्रीन और रेड अच्छे अच्छे होते, अच्छे भाई ये वाला। शादी के बाद तो मम्मी ने सूट ही नहीं खरीदे, ये तो बड़े बड़े सूट आ जाते पीले भाई, पानी पी ले, पीले तू भी पानी पी ले। तो गाइज आज का दिन होता हमारा समाप्त, तो और आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया गया, ये वाली होली भी हमारी बहुत अच्छी गई। गाइस थैंक गॉड मैंने सूट अपना वहीं रख रखा था, तुम पहन के आ गए, वरना मैंने एक न्यू सूट सिलवाया था, वो सूट टाइम पे मैंने लिया ही नहीं। और शिवानी एक लड़के का कमेंट आया था, वो बोल रहा था कि भाभी आप भैया से मिल शादी से पहले ज्यादा खूबसूरत थे या भैया से मिलने के बाद ज्यादा खूबसूरत होंगे। आई थिंक मैं भैया से मिलने से पहले और मतलब ज्यादा अब ज्यादा खूबसूरत भाई मिलने के मेरे हिसाब से मिलने से पहले चूजी सी थी और अब देख लो गोरी चिट्टी सी बढ़िया सी हो गई है मिलने से। सच्चाई है सच्चाई, जब तक मुझे मेरे माँ बाप ने पाला था मैं बहुत। अरे ऐसी कोई बात नहीं, बहुत खूबसूरत। अब मुझे नितिन ने पाला है तो मैं महा पाला नहीं है, मैंने पाला मतलब कि परवरिश करना। पालूंगा तो मैं तुम्हें पाल रही हूँ। देखो देखो इसकी बातें सुना करो। तो गाइज आज के व्लॉग को करते हैं पे खत्म, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। कई बार क्या होता है, लड़ाई हो रखी होती है ना, हम जबरदस्ती एक मतलब कैमरे में आते हैं, फिर आप कभी भी नोटिस करो तो आप ऐसे बता देना कि आप दोनों की लड़ाई हो रखी है, कमेंट में बता देना हाँ भैया इस टाइम आपकी लड़ाई हो रखी, रंग में नहीं उतरा। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहो, अगेन हैप्पी होली, हैप्पी होली।